सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में दो गेम प्ले रहेगा, वीडियो को एंड तक जरूर से देखना और कमेंट में बताना भाई आप लोगों का रैंक और टायर क्या चल रहा है, मेरे को कमेंट करके बताना। और मैं अपना बताऊं तो मेरा रैंक ऐसे कुछ 11 या 12 के आसपास चल रहा है, लेकिन कल के डेट में ना मैंने ऐसे कुछ टॉप 7 तो मैंने कर लिया था। और कल के डेट में मेरा रैंक टॉप 7 तो हो गया था, लेकिन कल के डेट में टोटल मेरा ऐसा कुछ 80 के आसपास टोटल माइनस लगा था, जिसमें से लास्ट वाला जो मैच था ना उसमें 47 का माइनस लगता है। अब चाहे जितने भी माइनस लग जाए भाई, तुम्हारा भाई टॉप पे भी जाएगा, हैशटैग वन होल्ड भी करेगा, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर टाइम दे दो, जो भी माइनस मेरा लगा ना वो सारे मेरे को रिकवर भी करना है। अब टोटल जितने भी माइनस लगा ना वो भी रिकवर कर लूंगा, हैशटैग वन भी मैं कर लूंगा। लेकिन यहाँ पर आज का जो गेम प्ले होगा ना भाई, ये भी एकदम नेक्स्ट लेवल होने वाला, तो वीडियो को एंड तक देखना, आपको मजा 100% आएगा। अब यहाँ पर रिकॉल लेने के बाद मैं बंदा ढूंढ रहा था, तभी सामने साइड से मेरे को ये वाला बंदा स्पॉट होता, जिसको यहाँ पर बहुत गंदा मैंने डैमेज दिया था। अगर एक दो गोली और कनेक्ट होता ना तो शायद से वाला भाई की पेटी तो बनता, लेकिन ये वाला भाई का मैं पीछा छोड़ता ही नहीं हूँ। और सोलो में रैंक पुश करने का टाइम डासिया 3 सीटर ओपन जिप जो होते ना भाई, इनको इग्नोर करो। अगर आपके पास ज्यादा टाइम होगा तो भाई बग्गी लेके भाई घुमा करो, तो बग्गी सबसे सोलो के लिए बेस्ट होता है। और जब भी सोलो में आपको फ्लेयर गन मिलेगा ना भाई, ड्रॉप को छोड़ के BRDM मंगा लेना। अगर BRDM मंगा लेते तो आपको सर्वाइव करने में थोड़ी सी हेल्प तो होता है, बस इतना ध्यान रखना जो आपका BRDM मंगा ना वो डैमेज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब ये वाला मैच में मेरे पास BRDM होता है, BRDM लेके मैं जोन के लिए जा रहा था, तभी यहाँ पर मेरे लेफ्ट साइड से ना एक बंदा गाड़ी लेके आता है, जिसके साथ यहाँ पर मैं फाइट ले लेता हूँ। और सोलो में जब भी रैंक पुश करोगे ना, तब ये वाला बात को ध्यान में रखना, जब भी किसी बंदे के साथ अगर आप फाइट लोगे ना तो ओपन में बिल्कुल भी रश नहीं करना। यहाँ पर ये वाला बंदा जैसे ही ओपन में आता है, मैं थोड़ी सी डैमेज देता हूँ, उसके बाद नेट करके ये वाला बंदे को मार देता हूँ। अब यहाँ पर जिस बंदे को मैंने अभी गाड़ी से उतारा ना, ये वाला बंदा बहुत ज्यादा डैमेज होता है। ये वाला बंदा शायद से यहाँ पर जोन के बाहर से आ रहा था, बहुत ज्यादा डैमेज होता है, सिर्फ एक दो गोली भी लगता है ये वाला बंदे की पेटी ऐसे ही बन जाता है। अब यहाँ पर जो बंदा गाड़ी लेके रोटेशन ले रहा था ना, उसको तो यहाँ पर मार दिया था, लेकिन यहाँ पर राइट साइड जो घर होता ना, यहाँ पर और एक बंदा होता है जो कि यहाँ पर बग्गी लेके आता है। अब ये जो बंदा अभी गाड़ी लेके गया ना, ये वाला बंदा अभी के लिए बस तो गया था, लेकिन अभी जिस बंदे के साथ यहाँ पर फाइट होगा ना, कसम से ये वाला फाइट एकदम नेक्स्ट लेवल होने वाला है। ये वाला बंदे के पास BRDM होता है। अब यहाँ पर सामने साइड जो घर होता है ना, उसके अंदर एक बंदा होता है जो कि ये वाला बंदे को डैमेज दे रहा था। यहाँ पर पीछे की साइड मैं था, जो कि इसका BRDM को मैं डैमेज दे रहा था। ये वाला बंदे को फाइट तो लेना ही था, अब ये वाला बंदे को फाइट तो लेना ही था, लेकिन जैसे ये वाला बंदा फाइट लेने के लिए ओपन में आता है ना, तो यहाँ पर मेरे पास शॉटगन होता है, जिससे ये वाला बंदे को मार तो दिया था, लेकिन ये वाला मैच का जो एंडिंग होगा ना वो सैड होने वाला है। अब यहाँ पर टोटल दो बंदा बच रहा था, जिसमें से एक बंदा घर के अंदर होता जो कि यहाँ पर मेरे BRDM को फोड़ने का ट्राई तो कर रहा था। यहाँ पर मैं सोचता हूँ कि ये वाला बंदे को मारने के लिए एक नेड करूँ।
और शॉटगन यूज करने का टाइम ये वाला बात को ध्यान रखना, अगर सामने वाले बंदे के साथ किसी भी बंदे के साथ अगर फाइट लेते हो वहां पर अगर आपने शॉट मिस कर दे तो भाई आपकी पेटी बनना 100% होता ही है अगर सामने वाला बंदा अच्छा खेलता है तो। अब पहले वाला जो मैच था ना उसमें चिकन तो नहीं होता लेकिन उसमें अच्छा खासा किल मैंने निकाल लिया था। ये वाला मैच में ज्यादा किल तो नहीं होता, इसमें एबीएस भी आया था, मैंने सोचा था कि लास्ट में उसके साथ फाइट भी होगा। अब मैंने सोचा था कि लास्ट में एबीएस के साथ फाइट होगा लेकिन ये वाले मैच में फाइट तो नहीं होता लेकिन चिकन मैन निकालने वाला हूं और ये वाले मैच में लास्ट में दो तीन फाइट ऐसा होगा ना जो देख के मजा तो आएगा। अब सामने साइड से जो बंदा अभी लैम्बो लेके गया ना ये एबीएस था, अगर यहाँ पर रुकता तो शायद यहाँ पर फाइट हो जाता लेकिन अभी के लिए निकल गया था। यहाँ पर ऊपर की साइड एक बंदा आ जाता है, अब पहले वाला जो मैच था ना उसमें अच्छा खासा किल तो मैंने निकाल लिया था लेकिन ये वाले मैच में ज्यादा किल होते नहीं, बंदा मेरे को मिला ही नहीं था लेकिन यहाँ पर लास्ट में दो तीन फाइट अच्छा होने वाला है। अब यहाँ पर सामने वाला जो बंदा था ना वो यहाँ पर जंप कर रहा था मेरे से मीटअप करना चाह रहा था लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी भी देखने में मैं लेट कर देता हूँ। अब ये वाले मैच में ज्यादा किल तो नहीं होता लेकिन यहाँ पर चार किल करके मैंने चिकन ले लिया था, ये वाले मैच से मेरे को अच्छा खासा प्लस भी मिल गया था। कमेंट में बताना आज का गेम प्ले आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलता है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।